सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। जेएनयू में एक प्रोफेसर के खिलाफ रेप का केस दर्ज करने की मांग को लेकर हजारों छात्रों ने आज दिल्ली के वसंत कुंज थाने का घेराव किया। छात्रों ने थाने में घुसने की कोशिश करते हुए पुलिस से धक्का मुक्की भी की, लेकिन पुलिस ने छात्रों को रोक कर रखा। जेएनयू के प्रोफेसर अतुल जौहरी के खिलाफ 9 छात्राओं ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। पुलिस ने इस मामले में छेड़छाड़ की धाराओं के तहत FIR दर्ज की है, जबकि छात्र रेप का केस दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये अरेस्ट करें, उसके जैसे आदमी को कुछ नहीं बोला जा रहा है, हम लोगों को मार रहे हैं ये लोग। जब तक वो अरेस्ट नहीं हो जाता है तब तक हम यही पुलिस स्टेशन में बैठे रहेंगे। छात्रों के प्रदर्शन की वजह से सड़क पर लंबा जाम लग गया। दफ्तरों से लौटते हुए लोगों को काफी देर जाम में फंसे रहना पड़ा। इस मामले की शिकायत लेकर छात्र कल दिल्ली महिला आयोग भी पहुंचे थे। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने हिंदुओं को बांटने वाली चाल चली है। सिद्धरमैया सरकार ने लिंगायत समुदाय को अलग धर्म का दर्जा देने वाली सिफारिश को मंजूर कर लिया है। आफ्टर 900 ईयर्स हमको ये मूवमेंट के लिए हमको जीत मिल गया। लिंगायत समुदाय को अलग धर्म का दर्जा देने वाले इस प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी के लिए केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा। बीजेपी और RSS ने सिद्धरमैया सरकार पर धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाया है। Created only for the political purpose, for the vote purpose, and it is only intended to divide the Hindu religion. Siddharamaiah और राहुल गांधी राजनीति का उपयोग धर्म को परिभाषित करने में कर रहे हैं। कर्नाटक में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने हैं। राज्य में लिंगायत समुदाय की आबादी 21% है, जो राज्य की 224 सीटों में से 100 से ज्यादा सीटों पर हार जीत तय करते हैं। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के इस फैसले के खिलाफ हिंसा भी शुरू हो गई है। कलबुर्गी में वीर शैव और लिंगायत समुदाय के लोग आपस में भिड़ गए। दोनों समुदाय के लोगों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद लोगों पर काबू पाया। संसद के बजट सत्र के दूसरे भाग का 11वां दिन भी आज विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गया। TDP और YSR कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस भी दिया था, लेकिन हंगामे की वजह से प्रस्ताव सदन में आज भी नहीं रखा जा सका। दोपहर करीब 12 बजे सांसदों का हंगामा थमते न देख स्पीकर ने लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी। आज सदन की कार्यवाही शुरू होते ही TDP, TRS, YSR, AIADMK और कांग्रेस के सांसद वेल में हंगामा करने लगे। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन में चर्चा की अपील भी की, लेकिन हंगामा जारी रहा। तहे दिल हम यह चाहते हैं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पर चर्चा हो। लोकसभा में हंगामे पर कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव पर मैच फिक्सिंग का आरोप लगाया है। कोई बिल पास कराना होता है तो हाउस ऑर्डर में होता है, हम जितना भी चिल्ला रहे हो आप अपना बिल पास करा लेते हैं। सरकार का कहना है कि वो अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने के लिए तैयार है। मोदी सरकार अविश्वास प्रस्ताव फेस करने के लिए हम तैयार हैं। सदन न चलने देने पर केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने सांसदों के खिलाफ नो वर्क नो पे की मांग की है। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार को आज एक साल पूरा हो गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी ने उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि उनकी सरकार ने प्रदेश में परिवर्तन किया है और विकास के साथ साथ सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाया। हालांकि सीएम योगी ने कहा कि उनकी सरकार के कामकाज के मूल्यांकन के लिए एक साल काफी नहीं है। मैं कह सकता हूं कि एक बंदर ने रावण की लंका को जलाया था और आज मैं कह सकता हूं कि यह बंदर भ्रष्टाचार दुराचार और गुंडा राज की इस लंका को जलाने का कार्य अवश्य करेगा। पहली सालगिरह के मौके पर योगी सरकार का नया स्लोगन एक साल नई मिसाल भी तैयार किया गया। हालांकि बहुजन समाज पार्टी ने सरकार के एक साल को बुरी मिसाल बताया है। श्री योगी सरकार के एक वर्ष का कार्यकाल एक साल बुरी मिसाल की तरह रहा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने भी सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए हैं। अब तक जितनी सरकारें रही उसमें सबसे भ्रष्टतम सरकार है। इन्होंने जितने वायदे किए वो वायदे एक भी न 4 साल में मोदी जी पूरा कर पाए न 1 साल के अंदर योगी जी। योगी सरकार के एक साल पूरा होने पर जनता की राय मिली जुली है। RJD अध्यक्ष लालू यादव को चारा घोटाले के एक और केस में कोर्ट ने दोषी करार दिया है। रांची की स्पेशल CBI कोर्ट ने लालू को दोषी ठहराया। मामला दुमका कोषागार से 3 करोड़ 13 लाख की अवैध निकासी का है। सजा पर बहस 21 से 23 मार्च तक होगी।
लालू जी को दोषी पाया गया है। क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस के लिए बुध बृहस्पति और शुक्रवार को दिन रखा गया है। 19 लोगों को दोषी पाया गया, 12 लोगों को छोड़ा गया है। लालू यादव को दोषी ठहराए जाने के बाद आरजेडी ने बीजेपी और नीतीश कुमार पर फिर निशाना साधा है। 2019 तक का ये खेल जो है बीजेपी का, ये चलता रहेगा और बीजेपी को और एनडीए के लोगों को नीतीश कुमार जी को बड़ा डर है। केस में लालू समेत 31 आरोपी थे, इनमें से 19 लोगों को दोषी ठहराया गया, जबकि पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्र समेत 12 को कोर्ट ने बरी कर दिया। चारा घोटाले के 3 मामलों में लालू 23 दिसंबर 2017 से रांची जेल में है। दाऊद इब्राहिम के साथी फारूक टकला को फर्जी नाम से पासपोर्ट जारी किया गया था। मुंबई में आज फारूक टकला की पेशी के दौरान ये बड़ी जानकारी सामने आई है। सीबीआई की रिमांड एप्लीकेशन में ये खुलासा हुआ है कि फारूक टकला को मुश्ताक मोहम्मद मियां नाम से पासपोर्ट जारी किया गया था। ये पासपोर्ट 8 फरवरी 2011 को यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान जारी हुआ था। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय के तत्कालीन अधिकारियों के खिलाफ जांच शुरू कर सकती है। फारूक टकला को आज 1993 मुंबई ब्लास्ट केस में स्पेशल टाडा कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने उसको 28 मार्च तक की पुलिस हिरासत में भेज दिया। फारूक टकला को 8 मार्च को दुबई से भारत लाया गया था। 2G स्पेक्ट्रम केस में ए राजा और कनीमोई समेत बाकी आरोपियों की रिहाई को ईडी ने चुनौती दी है। ईडी ने सीबीआई की स्पेशल कोर्ट के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। पिछले साल दिसंबर में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने ए राजा और कनीमोई समेत 44 आरोपियों और कंपनियों को बरी कर दिया था। 2G केस में 2 केस सीबीआई ने और 1 केस ईडी ने दायर किया था। 12 मार्च 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने 2G केस की धीमी जांच को लेकर सीबीआई और ईडी की फटकार भी लगाई थी। कोर्ट ने स्पेक्ट्रम आवंटन और इससे जुड़े दूसरे मामलों की जांच 6 महीने के भीतर पूरी करने का आदेश दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मानहानि केस में आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल से माफी मांगी। हम लोग नहीं चाह रहे ना कि हम लोग ईगो की लड़ाई लड़ने थोड़ी आए हैं। हम जनता के लिए स्कूल बनवाने आए हैं, अस्पताल पे काम करने आए हैं, हम वो काम कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने साल 2014 में नितिन गडकरी को भारत के सबसे भ्रष्ट नेताओं में से एक बताया था। पटियाला हाउस कोर्ट में केजरीवाल ने माफीनामे में लिखा कि व्यक्तिगत तौर पर आपके खिलाफ मेरे मन में कुछ नहीं है, मैं खेद जताता हूँ। उन्होंने माफी मांगी है कि उन्होंने गलत स्टेटमेंट कर दिए थे, ऐसे आधार पे किए थे जो बेबुनियाद थे, इसलिए उन्होंने अपनी माफी मांगी थी। केजरीवाल ने हाल ही में पंजाब के पूर्व मंत्री बिक्रम मजीठिया से माफी मांगी थी। केजरीवाल ने मजीठिया पर ड्रग्स रैकेट में शामिल होने का आरोप लगाया था। सूत्रों के मुताबिक अरविंद केजरीवाल DDCA मानहानि केस में वित्त मंत्री अरुण जेटली से भी जल्द माफी मांग सकते हैं। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेताओं पर 20 से ज्यादा मानहानि मुकदमे चल रहे हैं। अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष का पद छोड़ दिया है। गिलानी की जगह मोहम्मद अशरफ सहराई को हुर्रियत का नया अध्यक्ष बनाया गया है। गिलानी के इस्तीफे की वजह पाकिस्तान से आतंकी फंडिंग के मामले में उनकी घेराबंदी मानी जा रही है। NIA गिलानी के दोनों बेटों नईम नसीम और दामाद अल्ताफ फंटूश से पूछताछ कर चुकी है। इस तफ्तीश में गिलानी से जुड़ी 150 करोड़ की 14 संपत्तियों का खुलासा भी हुआ था। 23 अलगाववादी संगठनों को मिलाकर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस 2001 में बनी थी। गिलानी तभी से इसके अध्यक्ष थे। भारत में रह रहे रोहिंग्या शरणार्थियों को स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया है। याचिकाकर्ता की तरफ से सुनवाई के दौरान कहा गया था कि रोहिंग्या शरणार्थियों को देश में स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा की सुविधा नहीं दी जा रही है। इसके जवाब में कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा कि स्वास्थ्य सेवा देने में विदेशी नागरिकों से कोई भेदभाव नहीं होता। इस मामले में केंद्र सरकार ने पहले ही अपना हलफनामा दायर कर दिया था। केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि इस मामले को राजनयिक तरीके से हल करने के लिए छोड़ देना चाहिए। केंद्र ने ये भी बताया कि इसके लिए म्यांमार और बांग्लादेश से बातचीत हो रही है। व्लादिमीर पुतिन रूस के चौथी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। पुतिन का यह कार्यकाल 6 साल का होगा। इस जीत के साथ पुतिन जोसेफ स्टालिन के बाद दूसरे सबसे ज्यादा वक्त तक रूस के राष्ट्रपति पद पर रहने वाले नेता बन गए हैं। जोसेफ स्टालिन 30 साल तक रूस के राष्ट्रपति रहे थे। चौथा कार्यकाल पूरा करने पर व्लादिमीर पुतिन के लिए ये आंकड़ा 24 साल का हो जाएगा। पुतिन पहली बार वर्ष 2000 में राष्ट्रपति चुने गए थे। पुतिन को राष्ट्रपति चुनाव में 76% से ज्यादा वोट मिले हैं। पुतिन इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे।
डीएनए में अब हम उस राजनीतिक मंच की बात करेंगे जिसने देश की राजनीति से जुड़े कई बड़े संकेत दिए हैं। अगर आप इन दिनों न्यूज चैनल्स देख रहे होंगे तो आपको चारों तरफ कॉन्क्लेव का मौसम दिख रहा होगा। आपने न्यूज चैनलों में तरह तरह के कॉन्क्लेव देखे होंगे, लेकिन कॉन्क्लेव में जो चर्चाएं होती हैं, जो बयान दिए जाते हैं, जिन मुद्दों पर बातें होती हैं, वो बहुत तेजी से आपकी आंखों के सामने से गुजर जाते हैं। अक्सर लोग ये नहीं समझ पाते कि इसका दूरगामी परिणाम क्या होगा, इसका देश की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा। हम आपको जी न्यूज के इंडिया कॉन्क्लेव का आज पूरा विश्लेषण दिखाएंगे। जी न्यूज ने शनिवार को इंडिया कॉन्क्लेव का आयोजन किया था। ये देश का सबसे बड़ा राजनीतिक मंच था और इसमें देश की बदलती हुई राजनीति पर चर्चा हुई। आप में से बहुत से लोगों ने शनिवार को यह कॉन्क्लेव देखा होगा, लेकिन आज हम आपको इस कॉन्क्लेव से निकले राजनीतिक संकेतों के बारे में बताएंगे, इसका निष्कर्ष आपको बताएंगे, क्योंकि यह कॉन्क्लेव सिर्फ इसलिए नहीं था कि एक कॉन्क्लेव करना है, नेताओं को वहां बुलाना है और उनसे बातचीत करके उन्हें वापस भेज देना है। इस कॉन्क्लेव से नतीजा क्या निकला और आपको क्या संकेत मिले, यह भी समझना होगा। यह कॉन्क्लेव एक ऐसे समय में हुआ जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जब देश में तीसरे मोर्चे के गठन के लिए नए नए समीकरण तैयार हो रहे हैं, पूरे देश में राजनीति की बात हो रही है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी अपनी दुश्मनी भूलकर दोस्त बन गए हैं बीजेपी को हराने के लिए। कुछ महीने पहले तक कोई इस बारे में सोच भी नहीं सकता था, लेकिन अब तमाम राजनीतिक दल विपक्ष में एकजुट हो रहे हैं और उसके पीछे लक्ष्य एक है और वो है कि मिलजुल कर किसी तरह बीजेपी को हराना है। आपस में सत्ता कैसे बटेगी ये बाद में देखेंगे। उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की सीटों पर लोकसभा के उपचुनाव हार चुकी है, जो कि बहुत गंभीर बात है बीजेपी के लिए, बहुत इससे उसको बहुत धक्का लगा है। संसद में सरकार के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है, टीडीपी सरकार से बाहर हो चुकी है, शिवसेना नाराज है और अब कई दूसरे नेता भी अपने सुर बदल रहे हैं, यानी एनडीए के सहयोगी उससे दूर हो रहे हैं। इसी दौरान कांग्रेस का महाअधिवेशन भी चल रहा था और इसमें पहली बार राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह पर निजी हमला किया और मां बेटे की सरकार वाले डायलॉग का जवाब कौरव पांडव वाले जुमले से दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता कौरवों की तरह हैं और हम पांडवों की तरह हैं। यानी देश की हवा में राजनीति इस समय सबसे ऊपर ट्रेंड कर रही है। ऐसे वक्त में जी न्यूज का कॉन्क्लेव हुआ और इससे कई संकेत निकलकर सामने आए। पहली बड़ी बात तो यह थी कि उत्तर प्रदेश के उपचुनावों की हार के बाद बीजेपी को अब भी अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर पूरा भरोसा है। बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह इस कॉन्क्लेव में आए थे और उन्होंने कहा कि हमें साफ तौर कि योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा काम किया है और उन्हें पूरा भरोसा है कि बीजेपी 2019 में 2014 से भी ज्यादा सीटें लेकर सरकार बनाएगी। यानी अमित शाह ने योगी आदित्यनाथ को हार के दोष से बरी कर दिया, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि शायद बीजेपी के बड़े नेता और बीजेपी का नेतृत्व योगी आदित्यनाथ को ही दोषी ठहराएगा इन लोकसभा चुनावों में हार के लिए जो उपचुनाव हुए थे। इसके अलावा अमित शाह ने यह भी कहा कि उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश पर बीजेपी की खास नजर है और आंध्र प्रदेश में तो बीजेपी बूथ लेवल तक पहुंच चुकी है। बीजेपी की नजर नॉर्थ ईस्ट की लोकसभा सीटों पर भी है और हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जो सफलता मिली नॉर्थ ईस्ट में, उसे लोकसभा चुनाव में वो दोहराना चाहती है। यानी बीजेपी लोकसभा सीटों के लिए अब नई जमीन तलाश रही है, क्योंकि अगली बार उन्हें नए राज्यों से सीटों की जरूरत पड़ेगी। ऐसा क्यों है वो भी आपको बताते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि बीजेपी ये अच्छी तरह से जानती है कि पिछले लोकसभा चुनाव यानी 2014 जैसी स्थिति दोबारा नहीं आने वाली। 2014 में आपको याद होगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान अकेले इन चार राज्यों की 160 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 149 सीटें मिली थी, यानी करीब 150 सीटें सिर्फ चार राज्यों से जीत ली थी बीजेपी ने। 2014 में उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 71 सीटें और मध्य प्रदेश की 29 में से 27 सीटें मिली थी, जबकि गुजरात की 26 में से 26, राजस्थान की 25 में से 25 लोकसभा सीटें बीजेपी ने जीत ली थी। लेकिन हर बार ऐसा नहीं हो सकता, इस बार स्थिति ऐसी नहीं होगी, क्योंकि इन राज्यों में बीजेपी इससे ज्यादा सीटें नहीं जीत पाएगी।
इससे कम ही सीटें जीत पाएगी। अब कितनी कम होंगी ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन कोई भी राजनीतिक पंडित आपको ये बता देगा कि पूरी सीटें तो नहीं जीती जा सकती। इसलिए यहां इन राज्यों में जो सीटें कम होंगी उसकी भरपाई कहां से होगी, इसलिए अब नए राज्यों को जीतना होगा, नई सीटों को जीतना होगा। जो सीटें बीजेपी की नहीं है वहां से जीत हासिल करनी होगी। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें हैं, पश्चिम बंगाल में 42 सीटें, उड़ीसा में 21 सीटें और नॉर्थ ईस्ट के सारे राज्यों में कुल मिलाकर 25 सीटें हैं। हालांकि बीजेपी के लिए ये सारे सपने पूरा करना आसान नहीं है, क्योंकि पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी और लेफ्ट का गढ़ है। आंध्र प्रदेश में टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस के अलावा कांग्रेस भी चुनावी मैदान में है, लेकिन बीजेपी अब ये जरूर कह रही है कि उसने नए राज्यों की तरफ, नई राजनीतिक जमीन की तरफ देखना शुरू कर दिया है। पहला सवाल तो ये है जो पूरे देश के मन में है कि उपचुनाव में जो बीजेपी की हार हुई है उससे विपक्ष बहुत खुश है, चारों तरफ दिवाली मनाई जा रही है, लेकिन आप इसको कैसे देखते हैं और खास तौर पर कांग्रेस को सबसे ज्यादा खुशी आपने दी है इन उपचुनावों में? देखिए, जहां तक अभी के उपचुनाव के नतीजे का सवाल है, हम इसको गंभीरता से लेते हैं, इसका महिम विश्लेषण करेंगे। और जहां तक कांग्रेस का खुश होने का सवाल है, सारी की सारी सीटों पर जमानत जब्त कराकर अगर किसी पार्टी को खुशी मिलती है तो इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं मानता हूं कि योगी आदित्यनाथ ने बहुत अच्छा काम किया है और बीजेपी उत्तर प्रदेश की सरकार हमारी सबसे अच्छा करने वाली सरकारों में से एक सरकार। तो आज आप इस हार के दोष से योगी जी को बरी कर रहे हैं? बरी करने का सवाल नहीं है, मैं वास्तविकता बता रहा हूं और उत्तर प्रदेश में ये फीलिंग है। आपको ऐसा लगता है कि मोदी वेव जो 2014 में जिसकी बात होती थी वो आज 2018 में भी उतना ही बरकरार है? शब्द प्रयोग आप लोग तय करिएगा, मैं इतना कहना चाहता हूं 2019 में 2014 से ज्यादा सीट प्राप्त कर एक मजबूत सरकार 2024 तक की मोदी जी के नेतृत्व में। अमित जी, ये कैलकुलेशन करने में सबको बहुत मजा आता है और सिंपल कैलकुलेशन ये कहती है कि बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां पहले ही पीक कर चुके हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, जैसे राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, यहां इससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता। जो आप तो जरूरी नहीं कि इस बार भी वहां से आपको सीटें आए, अब आपको नए राज्य तलाशने पड़ेंगे। भैया, ओडिशा छूट गया है, बंगाल छूट गया है, नॉर्थ ईस्ट ऑलरेडी हम जीत चुके हैं, नॉर्थ ईस्ट में हमारे पास 11-12 सीटों की, अब आंध्र भी ओपन कर दिया चंद्रा बाबू जी ने, तो हमारे तो जाना ही है ना, वहां बहुत सारी जगह बाकी, अभी चिंता मत करो सुधीर जी। और हमने 4 साल के अंदर वहां हमारा संगठन बनाने का काम समाप्त कर दिया है, जो मोदी जी के विजय रथ के पहले जाकर चुनाव जीतने की पूरी भूमिका बना चुका है। मोदी जी जाएंगे वहां, ये राज्यों में हम निश्चित विजय पाएंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि जो पिछली बार उत्तर में हुआ था वो इस बार आप दक्षिण में करेंगे? पूरब है, दक्षिण है, बहुत सारे एरिया है, कोरोमंडल स्टेट्स हैं पूरे। जी न्यूज के इस इंडिया कॉन्क्लेव में अमित शाह ने योगी आदित्यनाथ पर पूरा भरोसा जताया और दूसरी तरफ अपनी हार पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी पार्टी हर उपचुनाव में हार कर नया राज्य जीतती है, इसलिए अब कर्नाटक में बीजेपी की जीत होगी। यानी ये उपचुनाव की जो हार है ये असल में बीजेपी के लिए शुभ साबित होगी। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या बीजेपी सिर्फ जातीय समीकरणों की वजह से उपचुनाव में हारी या फिर इसमें कहीं कोई भीतरघात भी हुआ है? इसलिए एक ऐसा सवाल जो योगी आदित्यनाथ से किसी ने नहीं पूछा और हमने पूछा, हमने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ये भी पूछा कि कहीं उन्हें निपटाने की तैयारी तो नहीं चल रही। योगी जी, इसमें अब जो मैं जैसे कह रहा था कि जो फॉर्मूला विपक्ष को मिला है वो ये है कि अब सब इकट्ठे हो जाएं और एक तीसरा मोर्चा बनाया जाए। अगर आप पूरे देश की राजनीति के बारे में सोचें और देखें तो क्या आपको ऐसा लगता है कि 2019 में तीसरा मोर्चा बीजेपी को एक कड़ी टक्कर दे सकता है? देखिए, तीसरा मोर्चा पहली बार नहीं बन रहा है, इस जन मोर्चा को भी आप लोग देखे हैं जी, आज उसका नाम लेने वाला कोई नहीं है। और ये तीसरा मोर्चा बनने के पहले ही बिखर जाएगा। ये तय तो करें कि तीसरे मोर्चे का नेता होगा कौन,
उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा से भी पूछा जाना चाहिए कि इनके गठबंधन का नेता कौन है। अखिलेश जी हैं, मायावती जी हैं, मुलायम सिंह जी हैं, तो स्वाभाविक रूप से यहीं से प्रश्न खड़े होंगे। तात्कालिक है, इसमें बहुत उछलने की आवश्यकता नहीं और मुझे लगता है अति उत्साहित होने की आवश्यकता भी नहीं। मैं जो नतीजे देख रहा था योगी जी, उसमें यह था कि बीजेपी एक एक करके 20 सीटों पर उनके उपचुनाव उन्होंने लड़े हैं और ज्यादातर सीटें बीजेपी गंवा रही है उपचुनाव में। भारतीय जनता पार्टी भले उपचुनाव में सीट गंवा रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर उपचुनाव के बाद एक नए स्टेट को जीत करके भी आती है और ये मानकर के चलिए कि इस उपचुनाव के बाद कर्नाटक को हम विजय करेंगे और फिर 2019 में पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार भी बनाएगी। लेकिन आपने देखा होगा सोनिया गांधी ने अभी डिनर दिया सारे नेताओं को बुलाकर। लालू यादव इसलिए खुश हैं क्योंकि उन्होंने अररिया की सीट जीत ली। टीडीपी इसलिए खुश है, उनको लगता है कि बीजेपी को छोड़कर वो वापस ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करेंगे। यही शिवसेना का भी मूड है। ममता बनर्जी, ऐसा लगता है कि हर एक क्षेत्रीय दल अपने अपने राज्य में बीजेपी के खिलाफ एक मोर्चा खोल रहा है और ये एक तरीके से एक मूड जैसा बनता जा रहा है देश में। देखिए, मोदी जी अजय हैं, अजय रहेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो बीजेपी की तरह आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, नहीं बढ़ पा रहे हैं तो अंगूर खट्टे हैं जैसी स्थिति है। लेकिन मेरा यह मानना है कि भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के साथ मिलकर के 2019 में और बेहतर प्रदर्शन करेगी। योगी जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे यह है कि आप जानते हैं कि जब से आप मुख्यमंत्री बने, बल्कि उससे पहले से भी, आपको ना सिर्फ उत्तर प्रदेश एक बड़ा नेता माना जाता है, उत्तर प्रदेश के बाहर भी। आपको मुख्यमंत्री भी आप इसीलिए बने क्योंकि आप बहुत बड़े नेता वहां हैं, आपका वर्चस्व है, आपका इन्फ्लुएंस प्रभाव बहुत ज्यादा है। एक साल में हमने ये भी देखा कि आपने अलग अलग जगह, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री केरल में जाकर भी चुनाव प्रचार कर रहा है, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री यानी आप नॉर्थ ईस्ट में जाकर भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं, यानी आपका एक ऑल इंडिया रिकॉल वैल्यू था आपका। और मोदी जी के बाद अगर किसी का नाम याद आता था तो वो आपका नाम याद आता था। आपको क्या ऐसा लगता है कि इस चुनाव के जरिए यह भी एक हो सकता है कि आपको थोड़ा सा डाउन करने की, या तो यह भगवान की इच्छा थी या किसी और की इच्छा थी, लेकिन इस ये एक फैक्टर हो सकता है क्योंकि आपका प्रभाव पीछे एक साल में बहुत जबरदस्त बढ़ा है। देखिए, मैं एक कार्यकर्ता हूं, मैं नेता कभी नहीं रहा, मैं एक योगी आज भी हूं और एक योगी के रूप में सेवा को साधन मानते हुए, सेवा का साधन मानते हुए राजनीति में हूं। और मेरा यह मानना है कि सेवा को ही माध्यम बना करके हम लोग आगे भी कार्य करेंगे। पार्टी जहां कहेगी पार्टी के लिए वहां जाकर के प्रचार भी करेंगे। उत्तर प्रदेश एक बड़ा कार्य क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश में जितना अच्छा हो सकता उतना अच्छा परफॉर्मेंस करके हम लोग दिखाएंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को आपने सुन लिया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आपने सुन लिया, लेकिन इस इंडिया कॉन्क्लेव में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी शामिल हुए थे और ये तमाम वो नेता थे जिनके बारे में, जिनके विचार पूरा देश इस समय सुनना चाहता है। और अखिलेश यादव ने भारतीय राजनीति में गठबंधन वाले युग की वापसी के संकेत दिए। अखिलेश यादव से सीधा सवाल ये था कि क्या भारतीय राजनीति एक बार फिर गठबंधन वाले युग के लिए तैयार है और क्या अखिलेश थर्ड फ्रंट के लीडर बनेंगे। इस सवाल के जवाब में अखिलेश यादव ने कहा कि वो दिल्ली जाने के सपने नहीं देखते, उन्हें उत्तर प्रदेश में ही काम करना है, वो वहीं रहना चाहते हैं, उन्हें लखनऊ अच्छा लगता है। उन्होंने समाजवादी पार्टी और बीएसपी के भविष्य के गठबंधन पर खुलकर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन ये संकेत जरूर दिए कि आने वाले समय में ये गठबंधन हो सकता है। और जब हमने ये पूछा कि इस गठबंधन का नेतृत्व कौन करेगा, इसका नेता कौन होगा, तो उन्होंने कहा
कि जो बड़ी पार्टी होगी वही नेतृत्व करेगी। साल पहले जब आप एक्टिव राजनीति में आए थे, राहुल गांधी आपके बड़े भाई की भूमिका में नजर आते थे, और मुझे याद एक बार राहुल गांधी ने कहा था, नो अखिलेश इज वेरी टैलेंटेड, अखिलेश इज अ गुड बॉय। और फिर जब ये यूपी के लड़कों ने हाथ मिलाया तो भी राहुल गांधी एक बड़े भाई की भूमिका में नजर आ रहे थे, लेकिन परफॉर्मेंस अगर आप देखें और आज के हालात देखें तो लीडर आप नजर आते हैं अगर कोई नया ऐसा गठबंधन बनता है तो क्या आप तीसरे मोर्चे की लीडरशिप के लिए, क्योंकि आप यंग हैं, यूथ हैं, ऐसी लीडरशिप के लिए आप तैयार हैं? मैं सपने देखता हूं लेकिन इतने बड़े सपने नहीं देखता मैं, और मैं यूपी में खुश हूं, मुझे दिल्ली मत भेजिए कहीं। तो आप अपना पूरा और फिर ये राहुल जी की जिम्मेदारी है, ये बड़ी पार्टी है उनकी और तमाम सीनियर लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि देश को क्या दिशा दें। जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है, समाजवादी पार्टी सहयोग करने के लिए तैयार है कि कोई भी सेकुलर रास्ता, सोशलिस्ट रास्ता अपनाएगा उसमें समाजवादी पार्टी की भूमिका रहेगी। जी अखिलेश जी, अब चर्चा इस बात की है कि आप और मायावती जी दो बिल्कुल नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरह थे उत्तर प्रदेश की राजनीति में, और बीजेपी ने आप दोनों को भी एक साथ मिला दिया। या तो बीजेपी का डर इतना ज्यादा सता रहा था, या बाउंस बैक करने की आपकी भी इतनी इच्छा थी और उनकी भी प्रबल इच्छा थी। क्या अब यही टीम आगे भी खेलेगी, आगे के मैचेस में भी यही टीम हमें देखने को मिलेगी? कभी कभी दूसरे लोगों से भी सीखना चाहिए, हमने तो बीजेपी से ही सीखा। अगर देश में सबसे ज्यादा जातिवादी कोई बात कर रहा है तो बीजेपी ने की, अगर धर्म के आधार पे किसी ने राजनीति की तो बीजेपी ने की। तो हम जो कर रहे हैं यूपी में, नॉर्थ पोल साउथ पोल या हम और बसपा एक साथ हुए हैं, तो हम तो धन्यवाद देंगे बीजेपी का कि बीजेपी ने कम से कम हम लोगों को ये तो सिखा दिया। हम तो एक्सप्रेस वे लेके घूम रहे थे कि एक्सप्रेस वे से वोट मिलते हैं, लैपटॉप से वोट मिलते हैं, मेट्रो बनाने से वोट मिलते हैं, लेकिन बीजेपी ने जो सिखाया हम बीजेपी के रास्ते पर हैं। लेकिन मैं एक बीजेपी को बता दूं कि हम समाजवादी लोग कभी विकास का रास्ता भूलने वाले नहीं हैं। ये जो जीत आपको हासिल हुई है इसमें आपका खुद का कितना योगदान है, योगी जी का और मौर्य जी का कितना योगदान है, और मायावती का कितना योगदान है? मेरा कोई योगदान नहीं है इसमें। हम तो कहेंगे मुख्यमंत्री और दूसरे उप मुख्यमंत्री, उनका ज्यादा योगदान है। और मायावती जी का कितना योगदान मानते हैं आप? उन्होंने सहयोग दिया और उनका समर्थन मिला, उससे उत्साह और वोट में हमारे ज्यादा इजाफा हो गया। तो देश की राजनीति के ये तीन बड़े खिलाड़ी जी न्यूज के इंडिया कॉन्क्लेव में शामिल हुए थे, लेकिन इसके अलावा राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी और AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी के बीच भी एक बड़ी दिलचस्प बहस हुई, और इस सेशन का विषय था हमारे देश में हिंदू वोट बैंक और मुस्लिम वोट बैंक वाली राजनीति कब तक चलेगी। कॉन्क्लेव के ओपनिंग सेशन में हमने ये विषय इसलिए रखा था क्योंकि हमें लगता है कि देश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति के चक्कर में विकास का मुद्दा पीछे छूट रहा है। इसलिए इन दोनों से हमने ये पूछा कि ऐसा कब होगा जब हिंदू वोटर मुस्लिम नेता को वोट दे देंगे और मुस्लिम वोटर हिंदू नेता को वोट देंगे। क्या राजनीति के ये ध्रुव, राजनीति के ये दो ध्रुव कभी मिल सकते हैं, कभी मिल पाएंगे? वो दिन हमारे देश की राजनीति में कब आएगा जब हिंदू जो है वो मुसलमान कैंडिडेट को वोट देना शुरू कर देंगे, और मुसलमान जहां है मेजॉरिटी में वहां से कोई हिंदू जीत जाएगा? ये कभी नहीं होने वाला है, ये हल, ये तल्ख हकीकत आपको बयान। जब तक आप हैं। नहीं, मैं नहीं हूं। नहीं, सुनिए, आपकी बात अगर सच हो सकती थी उस वक्त, जब अगर आप देखेंगे ये 16वीं लोकसभा है, हाईएस्ट मुसलमान कब जीत कर आया 1980 में, जब स्वामी साहब सेकुलर थे, 48 जीत 45 48, अब कितने हैं? अब 23 हैं, 4% है। और जितने भी जीत कर आए हैं वो उन कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत कर आए हैं जहां पर मुसलमान वोटर लिस्ट में 30% है। तो बीजेपी में अगर 280 एमपी हैं, एक मुसलमान क्यों नहीं जीत पाता? बीजेपी तो बहुत दावे करती है ना,
मिस्टर मोदी तो अब तो सूफी शेख भी हो चुके हैं, इस्लामिक स्कॉलर भी हैं, वो इतना उनको ज्ञान हो चुका है इस्लाम का। एक मुस्लिम एमपी नहीं है, गुजरात में इलेक्शन हुआ एक मुस्लिम एमएलए नहीं है, तो फिर ये क्यों नहीं जीत पा रहे? जब आप सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं और आप फेल हो जाते हैं, तो यही देखना है। और मैं आपको बता रहा हूं कि नहीं होने वाला है। बीजेपी जाट और गुज्जर को रिजर्वेशन देने तैयार है, मुसलमान को देने तैयार नहीं है, क्योंकि रिलीजन बीच में आता। तो यही चीजें हैं जो ये नेक नियत नहीं है, और ये नहीं चाहते कि मुसलमान मुख्यधारा में उनको जस्टिस मिले, उनको पॉलिटिकल इक्वालिटी मिले। जी जहां तक नहीं, इनका तो एक प्रशंसा मैं जरूर करूंगा, उससे कहीं आपका नाम ना खराब हो जाए मेरी प्रशंसा से, परंतु मैं समझता हूँ ये आपकी प्रशंसा से इनके समर्थक नाराज हो सकते हैं। वही मैं कह रहा हूँ। तो नहीं, आप सच्चाई बोलिए। नहीं, ये तो पढ़े लिखे हैं जी, और दिल में साफ है, जो बोलते हैं करते हैं, देश के बाहर भारत का डट के समर्थन करते हैं, यानी ये मेरा पर्सनल नॉलेज में है। तो इसको मैं राष्ट्रवादी नहीं मानता हूँ, परंतु देशभक्त मानता हूँ। फर्क यह है कि ये नहीं मानता अभी तक कि ये इनका पूर्वज हिंदू है। वो जिस दिन मान लेगा तो हमारे परिवार का हिस्सा हो जाएंगे, परंतु वो फिर भी इनकी योग्यता, इनकी जो है, इनको पार्लियामेंट होने से पार्लियामेंट की रौनक बढ़ती है। वैसी साहब, अब मैं एक अलग तरह का सवाल आपसे पूछता हूँ। ये जो देश है, यहाँ पर 80 से 90 करोड़ हिंदू होंगे इस वक्त, लेकिन इस देश में जो टॉप 3 सुपरस्टार हैं फिल्मों के, तीनों मुसलमान हैं, आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान। ये सारे हिंदू अपने अपनी फैमिलीज को लेके पैसा खर्च करके टिकट खरीद के उनकी फिल्म देखने के लिए जाते हैं। उसके बाद क्रिकेट इज लाइक ए रिलीजन। क्रिकेट में जब भी कोई मुसलमान खिलाड़ी इंडिया में आता है, कप्तान भी रहे मुसलमान खिलाड़ी इंडिया की टीम के, उतनी ही ताली बजती है, बड़े शौक से सारे लोग देखने के लिए जाते हैं। इन दोनों में कभी वो नहीं समझते कि ये मुसलमान खिलाड़ी ताली नहीं बजानी, ये मुसलमान एक्टर है इसकी फिल्म नहीं देखनी, वो ज्यादा हिंदू एक्टर से ज्यादा फिल्म चल रही है उसकी। लेकिन जैसे ही वो आदमी मल्टीप्लेक्स से, सिनेमा हॉल से या स्टेडियम से बाहर निकलता है और चुनाव में जाता है, एकदम से उसका चश्मा बदल जाता है। क्या कारण है इसका? वही पहला सवाल आपका, मेरा जवाब वही कि आप पसंद करेंगे मुझे। पर स्टेडियम में उसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है सर, देखिए सिनेमा हॉल में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। सर, मैं यही तो कह रहा हूं, डिस्क्रिमिनेशन कहां होता है? डिस्क्रिमिनेशन स्कूल में होता है, डिस्क्रिमिनेशन पुलिस के लॉ में होता है, डिस्क्रिमिनेशन जेलों में होता है, और डिस्क्रिमिनेशन करने वाले सरकार हैं। आप डिस्क्रिमिनेशन खत्म करना चाह रहे तो खोलिए स्कूल, आप रिजर्वेशन दीजिए, स्कॉलरशिप दीजिए। और मुझे फिल्म स्टार से क्या करना है? मैं ये चाहता हूं कि कोई मुसलमान हिंदुस्तान से इतना पढ़ लिखे कि मैथमेटिक्स में नोबेल प्राइज जीत कर आए। आपको याद होगा, इसी वर्ष 19 जनवरी को हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक इंटरव्यू किया था, और उस इंटरव्यू में उन्होंने देश में स्वरोजगार की बात करते हुए पकौड़े वालों का जिक्र किया था। हमारे उस इंटरव्यू के बाद विपक्ष ने पूरे देश में पकौड़े को एक बड़ा मुद्दा बना लिया। जी न्यूज के इस कॉन्क्लेव में भी पकौड़ा पॉलिटिक्स का यह मुद्दा छाया रहा, और अब ऐसा लगता है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भी पकौड़ा ऐसे ही ट्रेंड करता रहेगा जैसे 2014 में चाय ट्रेंड कर रही थी। विपक्ष बीजेपी से पकौड़ा पॉलिटिक्स पर तीखे सवाल पूछ रहा है, और अब बीजेपी भी इसे अपने लिए बड़ा मुद्दा मानने लगी है। बीजेपी यह भी कह रही है कि यह अनएथिकल अलायंस था, दोनों पार्टियों ने आपस में सौदेबाजी कर ली और मिलकर हमें हरा दिया। आप मानते हैं ये अनएथिकल अलायंस था, क्योंकि ना तो आपने कुछ एजेंडा दिया लोगों को, ना मायावती जी ने दिया एजेंडा, ये था कि बीजेपी को हराना है बस। लोगों को क्या मिलेगा, इसका जवाब आपके पास नहीं था। अगर बीजेपी एथिक्स की बात करेगी तो बड़ा अच्छी बात है। इन्होंने बीजेपी और इतनी अच्छी बात कर रही है, हमारे अलायंस को कह रही अनएथिकल, अनहोली अलायंस है। अरे, हमने तो इससे भी ज्यादा खतरनाक बातें सुनी। यहां पर बीजेपी के लोगों ने कहा कि ये सांप छिछूनर का अलायंस है, ये चोर चोर मोसेरे भाइयों का अलायंस है। हम तो जानते हैं गांव गांव में रामायण होती है, कोई गांव भारत का नहीं है जहां पर रामायण के बारे में लोग नहीं जानते। बताओ, रामायण के बारे में क्या क्या कहा इन्होंने,
और वो हमें सिखाएंगे एथिक्स जिन्होंने नकली राम, नकली लक्ष्मण, नकली सीता, नकली एक पुष्पा विमान लेकर के अयोध्या में जनता को धोखा दिया। अरे जो नकली राम लाए हों, नकली सीता लाए हों, नकली लक्ष्मण लाए हों, उनसे हमें क्या सीखना है? और फिर ये क्यों भूल जाते हैं बीजेपी के लोग कि सीता की तस्वीरें व्हाट्सएप पे कैसी चली थी? तो ये एथिक्स हमें ना सिखाएं भाई, हमने तो उन्हीं से गणित सीखा है। जो जो उन्होंने काम की बात नहीं की, हमने काम की बात की। और मुझे तो अच्छी तरह याद है आपसे आखिरी बात तो बीजेपी की पकोड़े वाली हुई थी, ये पकोड़े ने हरा दिया उन्हें। और जो चाय पे चर्चा करते थे, हमने तो सच्चाई पे चर्चा कर दी, इसलिए बीजेपी हार गई। जब डावोस जा रहे थे प्रधानमंत्री, उससे पहले मैंने उनका एक इंटरव्यू किया था और आपको याद होगा उसमें उन्होंने कहा था कि पकौड़ा बेचना भी रोजगार है, और वो एक बहुत बड़ा मुद्दा विपक्ष ने उसको बना दिया था। विपक्ष पकौड़े पर राजनीति करना चाहता है और उस स्तर पर जाना चाहता है। देखिए, मैं अगर विपक्ष चिदंबरम साहब के बयान से सहमत है कि पकौड़ा बनाने से भीख मांगना अच्छा है, तो मेरा इनको चैलेंज है सब अपने ट्विटर हैंडल पर ये वाक्य डालें और इस मुद्दे पर ही चुनाव हो जाए। इस देश में श्रम को कभी कम नहीं माना गया, और मैं आज भी कहता हूं कि पकौड़ा बेचकर रोजगार कर रहा है उसका भी उतना ही सम्मान है जिसमें किसी और व्यक्ति का देश में होना चाहिए। अपने परिश्रम से वो अपने जीवन का, अपने बाल बच्चों का गुजारा कर रहा है, इसमें क्या शर्म की बात है? श्रम करना कोई शर्म की बात नहीं होती है सुधीर जी। मगर इसको ट्विस्ट कर, इसकी भ्रांति खड़ी कर वो चाहते हैं कि हम देश की जनता को घुमराह नहीं करेंगे, चुनाव के नगाड़े बजने दीजिए, हम भी तो बोलेंगे। आपको ऐसा लगता है कि 2014 में चाय पर चर्चा हुई थी और लोगों ने यह कहा था कि चाय वाला कैसे बन सकता है प्रधानमंत्री, और 2019 में हो सकता है पकौड़े पर चर्चा हो? देखिए, पकौड़े को कांग्रेस ने सिंबल बनाया, हम भी सिंबल बनाना चाहते हैं। इस देश के करोड़ों श्रमजीवी को की तुलना अगर आप भिखारी के साथ करना चाहते हैं, तो मैं मानता हूं ये करोड़ों श्रमजीवियों का अपमान है। किसी भी पार्टी को अधिकार नहीं है किसी को सम्मान के साथ परिश्रम से जीने वाले व्यक्ति का अपमान करने का, और श्री चिदंबरम ने ये अपमान किया है उनका कि पकौड़ा बेचने से तो अच्छा है कोई भीख मांगे। तो ये शनिवार और रविवार राजनीति के हिसाब से बड़े एक्टिव रहे। ये शनिवार को कांग्रेस का महाअधिवेशन चल रहा था दिल्ली में, वहां कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी और बाकी के नेता भाषण दे रहे थे बीजेपी के खिलाफ, और बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह जी न्यूज के कॉन्क्लेव में बैठे थे और वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी को जवाब दे रहे थे, यानी दोनों अलग अलग मंचों से एक दूसरे के बारे में बात कर रहे थे। अमित शाह ने जी न्यूज के इंडिया कॉन्क्लेव में राहुल गांधी और कांग्रेस पर क्या कहा था वो हम आपको सुनवाते हैं, और साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि उसके बाद राहुल गांधी ने क्या निजी हमला किया प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह पर। सबसे पहला सवाल तो ये है जो पूरे देश के मन में है कि उपचुनाव में जो बीजेपी की हार हुई है उससे विपक्ष बहुत खुश है, चारों तरफ दिवाली मनाई जा रही है, लेकिन आप इसको कैसे देखते हैं, और खास तौर पर कांग्रेस को सबसे ज्यादा खुशी आपने दी है इन उपचुनावों में? देखिए, जहां तक अभी के उपचुनाव के नतीजे का सवाल है, हम इसको गंभीरता से लेते हैं, इसका महिम विश्लेषण करेंगे। और जहां तक कांग्रेस का खुश होने का सवाल है, सारी की सारी सीटों पर जमानत जब्त कराकर अगर किसी पार्टी को खुशी मिलती है तो इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। बिकॉज दे नो दैट इज व्हाट द बीजेपी इज डिजाइंड फॉर। They will accept a man accused of murder as the president of the BJP. But the people will never, never accept the same in the Congress party.
तो क्या संकेत मिला हमें, क्या 2019 में बीजेपी वर्सेस ऑल होने वाला है? क्या एक तरफ अकेले बीजेपी होगी और दूसरी तरफ विपक्ष की सारी पार्टियां मिल जाएंगी और लोगों के पास ये कहकर जाएंगी कि हमें बीजेपी को हराना है हर कीमत पर, इसलिए हमें वोट दीजिए? ये सवाल भी हमने अमित शाह से पूछा कि बीजेपी वर्सेज ऑल के इस मुकाबले पर क्या उन्हें डर लगता है, वो कैसे मुकाबला करेंगे, और अब सुनिए उनका जवाब। सोनिया जी ने अपने घर में एक डिनर रखा, विपक्ष को इकट्ठा करने की कोशिश हुई और उत्तर प्रदेश में सपा बसपा का गठबंधन भी हुआ। अब कोशिश ये हो रही है कि मोदी वर्सेस ऑल ये गेम खेला जाए अगले लोकसभा चुनाव में। देखिए, इसमें मैं मानता हूं कि जो राजनीति का मुख्य ध्रुव होता है, जो पोल होता है, इसके खिलाफ सारे लोग, एक जमाने में इंदिरा वर्सेस ऑल था, कांग्रेस वर्सेस ऑल था, आज मोदी और बीजेपी वर्सेस ऑल होता है, तो बीजेपी के लिए बहुत अच्छे शुभ संकेत है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम इतनी ताकत बना पाए हैं कि हमारे खिलाफ सबको इकट्ठा होना पड़े, मगर ये कुछ होता नहीं है। जब सत्ता के बंटवारे का सवाल आएगा तब सच्ची स्थिति मालूम पड़ेगी। अब पूरे देश के लोगों के मन में सवाल यह है कि असल में देश का मूड क्या है। देश का राजनीतिक मूड में आपको बहुत सारे विरोधाभास नजर आ रहे हैं। अब समझ में यह नहीं आ रहा कि देश ने त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में जो देखा वो सच्चाई है, वो असली मूड है, या फिर अररिया, फूलपुर और गोरखपुर में जो देखा वो सच्चाई है। इस देश के लोगों का मूड असल में है क्या? इस वक्त विपक्ष का उत्साह देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो लोकसभा की सिर्फ तीन सीटों के जरिए ही केंद्र में सरकार बना लेगा। हालांकि कड़वी सच्चाई यह है कि देश में सरकार बनाने के लिए 272 सीटों की जरूरत होती है, तीन सीटों से कुछ नहीं होता। यानी विपक्ष को अभी 269 सीटें और जीतनी होंगी, तब जाकर वो अपनी सरकार बना पाएंगे। लेकिन बीजेपी के लिए भी इतना आसान नहीं है। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में अपने गढ़ में दो बड़ी सीटों पर हार बीजेपी को स्वीकार करनी पड़ी है। अररिया में आरजेडी ने जीत हासिल की है, आरजेडी जिसको बीजेपी ने निपटाने की पूरी कोशिश की थी। लालू यादव जेल में चले गए, लेकिन जेल से ही रहते हुए उनकी पार्टी ने यह चुनाव जीत लिया, इसलिए बीजेपी के लिए भी संकेत अच्छे नहीं है। बीजेपी बहुत खुश थी क्योंकि उत्तर पूर्व में तीन राज्यों में उन्होंने जीत हासिल की, सरकार बना ली, और उन्हें लगा कि पूरे देश में उनकी जय जयकार हो रही है, और फिर ये उपचुनाव आए जिसने उस विजय का मजा किरकिरा कर दिया। इस वक्त पूरे देश के मन में यह सवाल भी है कि 2019 में बीजेपी की सरकार आएगी या नहीं, 2019 के बाद प्रधानमंत्री कौन होगा, क्या नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे, क्या उन्हें बहुमत मिलेगा तब वो प्रधानमंत्री बनेंगे, अगर बहुमत नहीं मिला, गठबंधन की सरकार आई, क्या उसमें भी वो प्रधानमंत्री रहेंगे, और क्या अगर ऐसा भी नहीं हुआ तो क्या देश में एक बार फिर से गठबंधन युग की वापसी होगी, और अगर गठबंधन युग की वापसी हुई तो फिर विकास की राजनीति का क्या होगा, देश की तरक्की का क्या होगा। आपको याद होगा, आप वीपी सिंह का जमाना याद कीजिए, आप आई के गुजराल का जमाना याद कीजिए, आप देवेगौड़ा का जमाना याद कीजिए, और कुछ हद तक पीवी नरसिम्हा राव का जमाना भी याद कीजिए। ये थी गठबंधन की राजनीति। तो क्या अब हम उसी तरफ फिर से जा रहे हैं? देश क्या चाहता है ये जानने के लिए पत्रकार तो हमेशा आपको बताते ही रहते हैं कि देश का माहौल क्या है, लेकिन ये बहुत बड़ी चुनौती होगी देश के मीडिया के लिए भी, देश के नेताओं के लिए भी, ये पढ़ना कि असल में ये देश चाहता क्या है। वैसे आपको ये भी बता दें कि रशिया, इजिप्ट या ईरान में लोकतंत्र सिर्फ नाम के लिए है, लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में लोकतंत्र की जीत होती रही है। हालांकि पिछले कुछ चुनावों को अगर देखें तो इन दोनों ही देशों में राष्ट्रवाद ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। उदाहरण के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका फर्स्ट के एजेंडे के साथ राष्ट्रपति बने। ठीक इसी तरह ब्रेक्सिट यानी यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन के अलग होने के बाद थेरेसा मे को भी राष्ट्रवाद ने ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद पर बनाए रखा। इसके अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को भी राष्ट्रवाद ने सत्ता के शिखर तक पहुंचाया। इस लिस्ट में पोलैंड और हंगरी जैसे देशों का भी नाम है जहां चुनाव के दौरान राष्ट्रवाद की लहर चलती है। इस लिस्ट में आप भारत को भी शामिल कर सकते हैं क्योंकि वर्ष 2014 में हुए लोकसभा चुनाव के बाद से राष्ट्रवाद भारत में भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। आज रिसर्च के दौरान
हमें रशिया में राष्ट्रपति पद के चुनाव की तारीख को लेकर भी एक बहुत दिलचस्प जानकारी मिली, जिसके बारे में आप सबको पता होना चाहिए। ये बहुत दिलचस्प है। रशिया में चुनाव की तारीख वहां की फेडरेशन काउंसिल यानी वहां की संसद का अपर हाउस तय करता है और इस तारीख को चुनाव होने से 90 से 100 दिन पहले तय करना होता है। नियमों के मुताबिक वहां पर राष्ट्रपति पद का चुनाव रविवार को होना अनिवार्य है, यानी रविवार का दिन और चुनाव की तारीख पहले से ही तय कर दी जाती है। जब भी चुनाव होगा रविवार को ही होगा। वर्ष 2000 से लेकर 2018 तक रशिया में राष्ट्रपति पद के लिए जितने भी चुनाव हुए हैं वो मार्च के महीने में पड़ने वाले किसी न किसी रविवार को ही हुए हैं, यानी मार्च के महीने में किसी भी रविवार को चुनाव होगा। जब भी होगा मार्च के महीने में रविवार को, किसी भी एक रविवार को। इससे लोगों को पहले से पता चल जाता है कि ये चुनाव रविवार को है। इसी वर्ष 19 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमसे बातचीत के दौरान देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनावों को लेकर एक ऐसी ही टिप्पणी की थी। ये बात आज आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि रशिया की राजनीति में और वहां के व्यवस्था में कुछ चीजें ऐसी हैं जो भारत वहां से सीख सकता है। इस इंटरव्यू के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि देश में दोनों चुनाव एक साथ होने चाहिए, यानी विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ होने चाहिए। और आज हम आपको प्रधानमंत्री द्वारा कही गई वो बात एक बार फिर से सुनाना चाहते हैं, जिसमें उन्होंने भी यही कहा था कि चुनाव का दिन पहले से मुकर्रर होना चाहिए। जैसे त्योहारों के दिन के बारे में आपको पहले से पता होता है किस दिन कौन सा त्योहार है, ऐसे ही आपको चुनावों के बारे में भी पहले से पता होना चाहिए कि जब भी चुनाव होगा इस दिन होगा। आपने कई बार ये भी कहा कि आप ये चाहते हैं कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ हो, लेकिन बहुत सारे लोग इसके लिए तैयार नहीं होंगे। आपको कोई उम्मीद की किरण लगती है या आपको लगता है कि जब राज्यसभा में आपकी बहुमत जब आ जाएगा उस वक्त शायद कुछ आप कर पाएंगे, तब तक इंतजार करना होगा? देखिए, बहुत अच्छा विषय निकाला और मैं आपका हृदय से जी न्यूज़ का आभारी हूँ कि आपने इस महत्वपूर्ण, क्योंकि कोई ऐसे विषय को हाथ ही नहीं लगाता है, आपने कब से कब इस बात को स्पर्श किया। देखिए, ये कोई बात मैंने नहीं कही है, कईयों ने कही है, मेरे पहले भी कही है। एक चुनाव पूरा हुआ नहीं दूसरा आया नहीं, दूसरा पूरा हुआ तीसरा आया नहीं। साल में एक निश्चित समय हो, जब होली होते भी एक निश्चित समय रंग डाल दो, फिर साल भर नहीं डालते, तो कीचड़ उछाल दो, रंग डाल दो, जरूर होली के समय काट लेते हैं। चुनाव भी एक उत्सव की तरह निश्चित समय काल में होने चाहिए, लोकसभा और विधानसभा के साथ होने चाहिए, और पैसे बजट वही है, धन इतना ही है उसी। अगर ये लोकसभा विधानसभा साथ हो जाते हैं तो देश कितने बड़े बोझ से बच जाता है, कितनी सरलता बच जाती है। करना क्या चाहिए? लोकसभा विधानसभा एक साथ चुनाव हो, उसके एक महीने के भीतर भीतर स्थानीय निकायों के चुनाव हो जाए, 30-40-50 दिन के अंदर 5 साल में सारे चुनाव हो जाए, फिर अगली डेट भी अभी से फिक्स होनी चाहिए। 5 साल की डेट फिक्स भाई तय करे, भाई हर वर्ष फरवरी के सेकंड वीक में चुनाव होगा, मतलब होगा, तो देश बहुत सुचारू रूप से और व्यवस्थाएं विकसित कर, दुनिया भर में विकसित होती है। ऐसी स्थिति समझते हैं सब लोग, मेरी जितने लोगों से बात हुई है व्यक्तिगत रूप से सब कोई इसका स्वागत करते हैं। पर आपको लगता है ये संभव है इस देश में और आप कर पाएंगे इसको? मैं कर पाऊंगा नहीं, सब मिलकर करेंगे। जिस दिन मोदी सोचेगा कि मैं करूंगा तो नहीं होगा, जिस दिन बीजेपी सोचेगी हम करेंगे तो नहीं होगा। ये किसी एक दल का, किसी एक व्यक्ति का एजेंडा नहीं हो सकता है, देश की भलाई के लिए सबने मिलकर के करने का काम है। एक बार चर्चा तो शुरू हो भाई, टीवी में डिबेट हो, अखबारों में लेख लिखे जाए, संविधान के एक्सपर्ट लोग आने चाहिए, सब लोग मिलकर करें, एक 2-3 महीना चर्चा करें, उसमें से निकलेगा अमृत। तो प्रधानमंत्री मोदी ने जो ये सुझाव दिया था ये कुछ हद तक रशिया में हो रहा है, और क्योंकि रशिया में चुनाव हुए, व्लादिमीर पुतिन एक बार फिर से राष्ट्रपति बन गए, और जब हमने रिसर्च किया तो पता चला कि रशिया में चुनाव की ऐसे ही तारीख पहले से मुकर्रर होती है, मार्च में चुनाव होता है, मार्च के किसी भी रविवार को चुनाव वहाँ पर होता है, और हमें ये लगा कि इस बारे में हमारे देश में भी बहस होनी चाहिए। अगर रशिया में ऐसा हो रहा है, बाकी के कुछ और देशों में अगर ऐसा हो रहा है तो हमारे देश में भी ऐसा हो सकता है। और अब देखते हैं कि आज का इतिहास क्या कहता है। आज 1915 में पहली बार
प्लूटो की तस्वीर ली गई थी, लेकिन उस समय प्लूटो को एक ग्रह के रूप में साबित नहीं किया जा सका था। इसके बाद 1930 में प्लूटो को हमारे सौर मंडल का 9वां ग्रह मान लिया गया, लेकिन इसके 75 साल बाद 2005 में प्लूटो को ग्रह मानने पर सवाल उठने लगे और ये कहा जाने लगा कि प्लूटो हमारे सौरमंडल के बाहरी हिस्से में मौजूद है और ये ग्रह हमारे सौरमंडल के दूसरे ग्रहों से थोड़ा अलग है। इस बहस के बाद वर्ष 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने ग्रह की परिभाषा को अपडेट किया और प्लूटो को एक ग्रह यानी प्लैनेट की जगह ड्वार्फ प्लैनेट बताया गया। वर्ष 1972 में आज ही के दिन भारत और बांग्लादेश ने मित्रता और शांति के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। वर्ष 1971 की लड़ाई में भारत ने तत्कालीन पूर्व पाकिस्तान को आजाद कराने में अहम भूमिका निभाई थी, जिसके बाद बांग्लादेश वजूद में आया था। इस संधि के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्ते और मजबूत हो गए थे। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने देश की व्यवस्था में सकारात्मक बदलाव करने के बारे में निरंतर सोचते रहिए। दुनिया में जो सबसे अच्छी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, हमें उनसे भी सीखना होगा और खुले मन से उन्हें अपने देश में लागू करना होगा। हमेशा इतिहास का बंधक बने रहना भी ठीक नहीं है। नमस्कार।